गेमर्स, तो कैसे हो आप? तो गाइज, बिग फाइव में एक मिशन आया है जो कि हमारा कंप्लीट होगा कैरेकिन मैप में। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि इस मिशन में कहा जा रहा है कि आपको यूज करना है गाइज यहाँ पे पेंजर फर्स्ट 10 टाइम इन क्लासिक मोड। तो ये गाइज पेंजर फर्स्ट जो भी है ये आपको देखने को मिलेगा कैरेकिन मैप में। तो अभी गाइज हम कैरेकिन मैप लगा लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको एग्जैक्ट किस लोकेशन पे देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे गाइज हम कैरेकिन मैप लगा लेते हैं। कैरेकिन मैप लगाने के बाद गाइज आपको ये पेंजर फर्स्ट जो भी इसका नाम है अल हबर में देखने को मिल जाएगा। गाइज आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है रैंडमली, लेकिन गाइज आपको ये अल हबर में जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हम अल हबर में लैंड कर रहे हैं। तो गाइज जब तक हम इसे अल हबर में घूमते हैं, डायमंड ढूंढते हैं, तब तक गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर चल रहे 10 रॉयल पास के गिव अवे में अगर आपने एंट्री नहीं किया तो कर लेना। गिव अवे की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ गाइज, अगर आप में से किसी बाइक को यूज परचेज करनी हो तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे यूसी परचेज कर सकते हो। नहीं तो गाइज आप चाहो तो वेबसाइट से भी यूसी ले सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ गाइज, अगर पबजी लाइट की बीसी लेना तो वो भी हमें आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो अभी गाइज जहाँ पे हम कैरेकिन मैप में भाई पेंजर फोर्स ढूंढ रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ पे, लेकिन गाइज हाँ अल हबर में आपको देखने जरूर मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं भाई हमें कहाँ पे वो देखने को मिलता है और क्या उसका यूज है, कैसे उसे क्या करना है। तो गाइज जहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अल हबर के इस बिल्डिंग में आने के बाद हमें यहाँ पे पेंजर फोर्स देखने को मिल चुका है। भाई इसका नाम क्या है यार, मेरे को बोलना नहीं आ रहा सीरियसली। तो अगर आपको आता हो तो बता देना यार मुझे पेंजर फोर्स है कि फास्ट है। तो अभी हम इसे लेकर बाहर निकलते हैं यार। तो ये गाइज एक बम कह सकते हो, इसे आप तोप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो यार, इसे आप रॉकेट लॉन्चर भी कह सकते हो, क्योंकि हमें पबजी के पेलोड में देखने को मिलता है। अभी गाइज हम बाहर जाके इसका यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आप समझ सको कि इसे कैसे यूज करना है और क्या करना है। तो गाइज आप चाहो तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन गाइज इसका जो मेन यूज है वो है बिल्डिंग को तोड़ना। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि ये इस दरवाजे को तोड़ देगा, जो यहाँ पे दीवार बनी है उसे तोड़ देगा। और गाइज ये पेंजर फर्स्ट आपको एक मैच में कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं, 10, 20, 30 जितने भी होंगे उतने मिल जाएंगे। लेकिन गाइज आपको इन्हें 10 टाइम यूज करना है क्लासिक मैच में। आप एक मैच में भी कर सकते हो, दो मैच लेके भी कर सकते हो। अगर आप गाइज ड्रॉप लूट लेते हो तो यहाँ पे भी गाइज आपको एक पेंजर फोर्स देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही गाइज आप इसे यूज करोगे ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसे यूज किया तो ये मेरे हाथ से गायब हो गया। यहाँ पे आप देखिए यूज करने का तुरंत ये गायब हो गया। तो अभी गाइज हम अपनी M249 ले लेते हैं और यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि गाइज हमने 2 बार यूज किया है और हमें 10 बार यूज करना है मशीन कंप्लीट करने के लिए। तो अभी गाइस हम चलते हैं आरपी में और देखते हैं कि हमने जो 2 बार यूज किया वो काउंट हुआ है कि नहीं। तो यहां पे गाइस आप देख सकते हो कि हमने जो 2 बार यूज किया वो काउंट हो चुका है, यानी कि गाइस आपको ऐसे ही 10 बार यूज करना है पेंजर फोर्स को और आपके मिशन इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।